नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भारत पर हमला करने के लिए कहा है। हैदर ने नियंत्रण रेखा के पास स्थित गांव में कोरोना का जायजा लेने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान को अब कड़े कदम उठाने चाहिए। केवल जुबानी बयानबाजी काम नहीं करेगी, आपको आगे आना चाहिए और अपनी सेना को भारत पर हमला करने के लिए कहना चाहिए। हैदर ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वे अपने भाई बहनों की रक्षा करें। भारत पीओके के बारे में मौसम पूर्वानुमान जारी कर रहा है, हमें अब दिल्ली का मौसम अपडेट जारी करना चाहिए। भारत मौसम विभाग 8 मई से पाक अधिकृत कश्मीर के इलाकों का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। इसने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए मौसम की भविष्यवाणियां शुरू की है। आईएमडी का यह कदम भारत के इस स्टैंड के मद्देनजर अहम है कि पीओके भारत का हिस्सा है। इससे पाकिस्तान खासा नाराज है। इसके जवाब में 10 मई को पाकिस्तान रेडियो ने लद्दाख पुलवामा जम्मू के मौसम की भविष्यवाणियां की थी। हालांकि इसमें गलत जानकारी देने के बाद इसकी सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई हुई। यह पहली बार नहीं है जब फारूक ने भारत के बारे में ऐसा विवादित बयान दिया है। कुछ महीने पहले फारूक ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में हथियारों के साथ संघर्ष जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान सरकार की मौजूदा नीतियों से कश्मीर 700 साल में भी आजाद नहीं होगा। कश्मीर को आजाद करवाने के लिए पाकिस्तान को नई नीति बनानी चाहिए। भारत अपने आप को अंग्रेजों का उत्तराधिकारी समझ रहा है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह विस्तारवादी नीति अपना रहा है। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान और पीओके के तबेलों में मौजूद गधों के बीच खलबली मचा दी है। फारूक हैदर को इसलिए भी दिन में तारे नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है भारत के पीओके में एक्शन लेते ही उनका राजपाट भी चला जाएगा। केवल इतना ही नहीं, पीओके में मौजूद पाकिस्तान के तमाम पिट्ठों के बिस्तर भी बंद जाएंगे। फारूक हैदर का यह बयान वहां मची दहशत को बयां करता है, जिसका साफ मतलब है कि मदरसा पैदा इसको अंदाजा हो गया है कि भारत उनकी कमर तोड़ने की तैयारी कर रहा है। उन्हें यह भी आशंका है कि कोरोना महामारी से ग्रस्त पाकिस्तान की हालत का फायदा उठाकर भारतीय सेना किसी भी वक्त पीओके पर कार्रवाई कर सकती है। खासतौर से पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह भारत सरकार आक्रामक हुई है, उसने पाकिस्तान की बेचैनी ज्यादा बढ़ा दी है। मगर जहां तक पाक सेना द्वारा भारत पर एक्शन लेने की बात है, तो यह हर कोई जानता है कि पाक सेना जो 200 ग्राम पीतल लटकाए घूमती है, वह उसे किसी युद्ध के जीतने पर नहीं मिले हैं, बल्कि पाकिस्तानियों को झूठ की गुट्टी पिलाकर उनसे अपनी पीठ पर मक्खन लगवाया गया है, जिस पर केवल मदरसा कौमी फिसल सकती है। भारत की तरफ से लगने वाला निशाना मक्खन वाली पीठ पर नहीं होगा, बल्कि वह हिस्सा होगा जहां पीतल के मेडल लटकाए इतरा रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।